राधे राधे हरे कृष्णा राधे राधे। आपका ठाकुर जी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि विधि के विधान से हम लड्डू गोपाल की विधि पूजा करते हैं। घर में लड्डू गोपाल जी हमारी हर मनोकामना पूरी करता है, इसी शर्त पे होती है। मनोकामना ऐसी होनी चाहिए सात्विक, अपनी मनोकामना ऐसी कोई नहीं होनी चाहिए जिससे किसी और को क्षति पहुँचे। आज भी इस वीडियो में जिस घर में लड्डू गोपाल जी रहते हैं वो घर सवरक के सम्मान होता है। घर में लड्डू गोपाल जी रखते हैं तो माना जाता है कि घर उनके ही हो जाता है। लड्डू गोपाल जी घर के सारे सदस्यों से उतना ही प्यार करते हैं जितना परिवार से उतना ही प्यार करते हैं जो हर सदस्य से करते हैं। वो अपने भगत को अपने ही रूप में देखते हैं। प्यार जितना बाकी लोग उनसे करते हैं वो उनसे उतना ही प्यार करने लग जाते हैं। घर का माहौल बदल जाता है। बहुत लोग ही सोचते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में लाना बड़े झंझट का काम है और लड्डू गोपाल जी को बार बार भोग लगाना पड़ता है, स्नान कराना पड़ता है, पोशाक बनानी पड़ती है, इसमें बहुत समय लगता है और ये मेरे को अभी झंझट लग रहा है ऐसा महसूस करते हैं लोग। और इसलिए बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल लाना ही नहीं चाहते। पर जब लड्डू गोपाल लाते हैं तो मन में बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। लोग लड्डू गोपाल को लाते हैं और ऐसी सेवा भी शुरू कर देते हैं। समय ही तो अपने लड्डू गोपाल को दिल में बिठाए, खराब समय भी अच्छा हो जाएगा। लड्डू गोपाल घर में लाए हो तो कुछ नियम इस प्रकार हैं। पहले हम जान लेते हैं कि कैसे उनकी सेवा करते हैं। अगर आपके घर में पहले से ही लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनकी सीधी सेवा भी शुरू कर सकते हैं। यही यदि आप नए लड्डू गोपाल लाए हैं तो लड्डू गोपाल जी का अभिषेक अच्छे ढंग से करना चाहिए, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और घर में अच्छी जगह पर उनको बिठाना चाहिए। घर में लाते ही पंचामृत से स्नान करा के धूप दीप देना चाहिए। घर में प्रवेश करते ही लड्डू साफ जगह पर बैठाना चाहिए। लड्डू गोपाल के साथ उनके जो भी ज़रूरत के सामान है वो लाने चाहिए, जैसे खाना खाने के लिए बर्तन, नई पोशाक, नया बेड, नई चारपाई आदि, सिंहासन, सोफ़ा और भी ला सकते हैं, चारपाई बिस्तर आदि भी ला सकते हैं। ज़रूरत की हर चीज़ लानी चाहिए। आप किसी तरह का मांसाहारी भोजन अपने घर में न बनाएं। लहसुन प्याज का इस्तेमाल कम से कम करें। अपने आप को शुद्ध एवं साफ रखें। कभी भी अशुद्ध रहने वाले घर में लड्डू गोपाल जी की पूजा नहीं की जाती। और लड्डू गोपाल जी अगर लाते हो तो बड़े भाव के साथ इसके पूजन करना चाहिए। लड्डू गोपाल वो चीज़ नहीं है कि लाए और धर दिया उठा दिया ये मूर्ति है, मूर्ति नहीं है, ये प्रत्यक्ष में भगवान है। और इनके अंदर अगर कोई झांक के देखे तो प्रत्यक्ष में आपको भगवान नजर आएंगे। ये बताते ज़रूर हैं जी, किसी के बहाने बताएं, बड़ों के बहाने, बूढ़ों के बहाने, बच्चों के बहाने, कोई न कोई जो भी संकट बात होती है तो ये बता देते हैं। इसलिए लड्डू गोपाल अगर लाते हो तो बड़े भाव के साथ इनका पूजन करो, वरना मेरी सोच यही है कि लेके ही मत आओ। अगर इनको तुम एक मूर्ति समझते हो तो बिल्कुल मत लाओ, और अगर इनको एक भगवान का रूप समझते हो तो बड़े भाव के साथ लाओ और इनकी पूजा करो। ये हर कार्य को पूरा करेंगे। आज मैं इतनी खुश हूँ इसको देख के, नहीं तो आने वाले समय में मैं एक चारपाई में होती, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। राधे राधे हरे कृष्णा हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे राधे।